हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल विंग्स एकेडमी। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में बनाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आज हमें बताना है इंट्रोगेटिव। चलिए, इंट्रोगेटिव में आपको पहले बता चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोई ना कोई पूछे तो इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन क्रिएट करना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि जिसमें रहा या नहीं आता है वो हमारा कंटिन्यूस में होता है और हम पढ़ा है इसके इंटरग्रेटिव देखिए क्या है। तो हमेशा इसमें क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे कि एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, तुम क्यों नहीं अपने घर जा रहे हो, और इसमें दो टाइप्स होते हैं। तो जैसा जो पहला टाइप होता है कि जो पहला टाइप होता है जब कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर पहला क्वेश्चन है, क्या सोहन खाना खा रहा है। दूसरा, क्या वह कपड़े धो रही है। तो इस जब क्या से स्टार्ट होता है तो इसका रोल ये होता है कि सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, इज एम आर की स्पेलिंग बनाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्क, इसके बाद नॉट प्लस वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम कोई ट्रांसलेशन एग्जाम्पल का पहला लेते हैं, क्वेश्चन का पहला है, क्या सोहन खाना खा रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसे, तब इसमें क्या है, सबसे पहले रूस कहता है कि इस एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करते हैं, हमेशा हम जब भी डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट सोहन है, सोहन क्या सिंगलर, जब सिंगलर है तो सिंगलर में हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे लगा, सोहन है, सब्जेक्ट है सोहन। इसके बाद नॉट, अगर सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस रहेगा जैसे क्या सोहन खाना नहीं खा रहा है तो वहां पे नॉट यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे, तो नॉट हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है नहीं। इज सोहन ईट, वर्क का फर्स्ट वर्ड ईट होता है, ईटिंग। इसके बाद खाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या सुना था, फूड, ये क्वेश्चन था। इस तरह के सारे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्या वह कपड़े धो रही है। इसमें भी क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई से मान लगाएंगे, इसी बार कैसे कैसे किसान से हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हुआ है, हुआ क्या होता है, सिग्नल, सिग्नल सिग्नल सब क्या लगाते हैं, हमेशा इज लगाते हैं, इज। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसमें, वह, वह के लिए क्या लगाएंगे, फीमेल के लिए सी, इज सी। इसके बाद वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव नॉट यूज नहीं करेंगे, तो वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या इसमें, धोना, धोना क्या होता है, वॉश, वॉश। इसके बाद आई एन जी एड करेंगे, वॉशिंग क्लोथ, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक टाइप का रूल होता है। अब दूसरा जो दूसरे रूल पे चलते हैं, जो दूसरे सेकंड टाइप का रूल होता है, सेकंड, जब किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव
वर्ड्स या इसको इतनी बोलते प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में आए। तो जैसे कि सबसे पहले समझ में आता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे इस टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पुट करता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं एक्सेट्रा। तो इसके इस टाइप जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पहला, वह अपने घर क्यों नहीं जा रहा है। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में है, जैसे क्यों है, क्यों क्या है, क्यों से बीच में है, वह अपने घर क्यों नहीं जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो। इसमें भी जो क्यों है बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया है, इसमें भी क्या है जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आया हुआ है, तो इससे हम बताएंगे कि दूसरे टाइप का हमारा है। अब इसका रूल्स क्या कहता है, इसको बनाने के लिए कैसे हम यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स की स्पेलिंग बनाएंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इज, एम, आर, पिछली इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन नाउन। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अब रूल्स हमारे क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लाइक क्यों, सबसे पहले स्पेलिंग किसकी बनाई, क्यों की, व्हाई। फिर उसका क्या कहता है, इज एम आर कौन डिसाइड करता है, मास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें वो है, व्हाई क्या सिंगुलर, सिंगुलर साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, व्हाई इज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर, तो आप ये ही। इसके बाद क्या आता है, नॉट, नॉट है क्या, नेगेटिव से अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में तो हम नॉट यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट हटा देंगे। तो इसके बाद ही नॉट नेगेटिव है, इसमें तो नॉट यूज करेंगे। इसमें वर्क का फर्स्ट वर्क जाना क्या होता है, गो में आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग, अपन गोइंग टू अपने घर, अपने घर क्या होता है, ही का अपना होता है इज होम, होम या फिर हाउस, लास्ट में क्वेश्चन है। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है ना, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तुम इस काम क्यों नहीं, सबसे पहले इंटरगेटिव वर्ड्स, इंटरगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, क्यों किस तरीके होती है, व्हाई। इसके बाद क्या होता है, इज एम आर, व्हाई, अब इज एम आर कौन डिसाइड करता है, हैप्पी मार्क्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम के साथ क्या लगता है, हमेशा आर यूज करते हैं, प्लूरल में काम करते हैं, व्हाई आर यू। इसके बाद नॉट है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नॉट इसमें है तो नॉट, नॉट वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क क्या है इसमें, करना, करने क्या होता है, डू में क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस काम को, इस काम क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क, क्वेश्चन। तो ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे इंटरगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसमें हम लगता है बाकी जो आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है इसमें करना है। पहला क्वेश्चन है, तुम क्यों हंस रहे हो। इसमें मिक्स क्वेश्चंस है, जो क्या से स्टार्ट होता है वो भी है और जो बीच में इंटरगेटिव वर्ड्स आता है वो भी है। तुम क्यों हंस रहे हो, क्वेश्चन। सेकंड है, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूं,
इसमें तुम्हारी सहायता में बनेगा योर है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इसका क्या कर देगा लास्ट में इसके ऑब्जेक्ट तौर पर लिख देगा योर हेल्प। थर्ड है मोहन, मोहन क्यों नहीं गा रहा है, मोहन क्यों नहीं गा रहा है, फोर्थ है राधा क्यों रो रही है, फिफ्थ है तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो। इसमें जो तोड़ने का मीनिंग होता है, तोड़ने का होता है प्लाउ, सॉरी प्लक, पी एल यू सी के, प्लक होती है वर्क और मैं एल तोड़ेंगे प्लकिंग हो जाएगा, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। सिक्स है क्या मैं खेत जोत रहा हूं, क्या मैं खेत जोत रहा हूं, खेत जोतने का होता है प्लाउ, पी एल ओ यू टी एस, प्लाउ में होता है जोतना, प्लाउ में होता है जोतना। सेवेंथ है तुम पुस्तक, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे हो, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे हो। और एट है क्या मैं अपने घर जा रहा हूं, ये आपके एट होमवर्क है, इसको करके व्हाट्सएप करना है, भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।